आजकल हम सब स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे फीचर फ़ोन के बारे में बताने वाली हूँ जो स्मार्टफोन की तरह काम करता है और मात्र 4000 रुपये में आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ नोकिया की। नोकिया हमेशा फ़ीचर फ़ोन्स में बेस्ट रहा है, एक लीडिंग कंपनी है। सो ये फ़ोन खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन से डिटॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं जैसे UPI पेमेंट करना, YouTube पे वीडियोस देखना, वो काम आप इस फीचर फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नोकिया 3210 स्मार्टफोन की। आपको याद होगा इससे पहले भी नोकिया 3210 आता था, लेकिन इसको इम्प्रोवाइज करके इस बार नए सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च किया गया है। सो इसमें आपको मिलता है यूनिसॉक का T107 चिपसेट। इस फीचर फ़ोन में आप YouTube चला सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं जो कि NPCI से सर्टिफाइड है। सो इस फ़ोन को लेकर ना काफ़ी पहले रूमर्स आ रहे थे, फर्स्ट लुक आया था सामने, डिज़ाइन रिवील कर दिया गया था, लेकिन अब ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। इसे आप खरीद सकते हैं, 3 अलग अलग कलर ऑप्शंस में आता है। सो इस फ़ोन में एक बड़ी बैटरी दी गई है, इसमें आपको 1450 mAh की बैटरी मिलती है और 2 MP का कैमरा मिलता है। अब आप सोचिए, जब सालों पहले हम कोई कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे तो उसमें सिर्फ हम नंबर डायल करते थे या SMS भेज देते थे या फिर वो स्नेक वाला गेम खेलते थे। तो अब आप ये सारे काम कर सकते हैं इस फीचर फ़ोन के ज़रिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो UPI पेमेंट वाला मैंने आपको बताया था सर्विस जो उसमें मिलती है, वो NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है, यानी कि आप स्कैन करके इस फीचर फ़ोन से कहीं भी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे स्पेशल बात है इस फ़ोन की कि ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया ना, ये आप मात्र 4000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, यानी कि इंडिया में इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 3999। हालाँकि जो नॉर्मल फीचर फ़ोन है उससे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप फीचर्स भी देखिए। और ये कॉम्पिटिटर बन गया है जियो का। जियो ने भी कुछ अपने ऐसे फीचर फ़ोन्स लॉन्च किए थे जिससे आप UPI पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप YouTube भी एक्सेस कर सकते हैं, वो एक स्पेशल फीचर है। अब ब्लैक, ब्लू और गोल्ड 3 अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन में फ़ोन आता है। साथ ही इसमें 2.4 इंच का एक QVGA डिस्प्ले दिया है, बेसिक स्टैंडर्ड साइज़ रखा गया है डिस्प्ले का। 128 MB की रैम मिलती है, 64 MB तक का स्टोरेज मिल जाता है और आप इसकी स्टोरेज को 32 GB तक एक्सटैंड कर सकते हैं। एक बेस्ट पार्ट है नोकिया का क्लासिक स्नेक गेम मिलता है। तो अगर आप पहले नोकिया के फ़ोन्स में स्नेक गेम खेलना पसंद करते थे तो वो काम अब भी आप इस फ़ोन में कर सकते हैं। और इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, और YouTube पे सिर्फ वीडियो देखने के साथ आप YouTube म्यूज़िक का भी फ़ायदा इस फ़ोन पर उठा सकते हैं। और इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको अलग से कोई केबल नहीं खरीदनी है, इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है। तो इतने सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं मात्र 4000 रुपये में। बैटरी बैकअप कंपनी ने जो क्लेम किया है, सिंगल चार्ज में ये 10 घंटे तक का टॉक टाइम आपको ऑफर कर सकता है। तो अगर आपको भी एक ऐसा फ़ोन खरीदना था कि जो भाई हमारे बेसिक काम तो कर ही रहे, इमरजेंसी में कहीं है तो UPI पेमेंट हो जाए और थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देख ले, म्यूज़िक सुन ले, कैमरा भी दिया हुआ है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, तो एक कंप्लीट पैकेज्ड फीचर फ़ोन हो गया। हाँ, थोड़ा सा प्राइस जैसे मैंने बोला थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं जितने और फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और जैसे नोकिया ने इसे टीज़ किया था डिजिटल डिटॉक्स के नाम से, तो अगर आपको अपने करंट स्मार्टफोन के साथ एक दूसरा एडिशनल फीचर फ़ोन चाहिए तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, या स्मार्टफोन से डिटॉक्स करके एक अच्छा नॉर्मल फीचर फ़ोन खरीदना है तो भी, मतलब दोनों ही सिचुएशंस में आपके लिए परफेक्ट मॉडल हो सकता है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा है नोकिया का एक नया 3210 वर्जन। बहुत ही कमाल का फ़ोन है, सारे एड ऑन्स दे दिए गए हैं। सो आप हमें बताइए कि आपको पुराना वाला नोकिया 3210 पसंद था या उसका एक नया अपडेटेड वर्जन। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और इस तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।